बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू पाकीज़ा फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊँगी स्पेशल रमज़ान के पकोड़े। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमने लिए है 4 अदद आलू। इसके हमने छिलके उतार दिए हैं और अब इसको छोटे छोटे करके काट देंगे। पतले पतले इसको काट देना है। इसी तरह करके सारे आलू इसको काट देना है। तो यहाँ पर हमने काट दिए हैं और इसके लिए हमने लिए है 2 अदद प्याज। इसको भी हम काट देंगे। अब एक बर्तन में सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे इसमें, तकरीबन आधा कप पालक साग लिया है, और ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 अदद तकरीबन, और 1 कप ऐड करेंगे इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी खून, 2 चम्मच ऐड करेंगे सूखा धनिया। इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ऐड करना है। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आधा चम्मच ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे हसबे जायका, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए। तो इसको मिक्स करेंगे। अब तवे पर ऑयल डाल देंगे और एक एक करके हम पकोड़े बनाते जाएंगे। छोटे छोटे बनाएं चम्मच से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। इसकी एक साइड पक चुकी है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और साथ आप चटनी बनाएं या केचप के साथ सर्व करें, और अपने घर वालों के लिए इसी तरह की प्यारे प्यारे रेसिपीज़ तैयार करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।